दोस्तों सब्सक्राइब करिए डिजिटली योर्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देख सकें। तो iPhone 8 और 8 Plus हो गए हैं इंडिया में लॉन्च और इसके लॉन्च के साथ साथ आ गए हैं कुछ नए ऑफर्स और इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ ऑफर्स के बारे में आपसे बात करना चाहता था। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहला जो ऑफ़र है वो है सिटी बैंक की तरफ से। सिटी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो इसमें आपको मिल सकता है 8,000 रुपया कैशबैक अगर आप परचेज़ करते हैं नया आईफोन 8 या 8 प्लस। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है रिलायंस जियो की तरफ से, जो कि है एक बायबैक ऑफ़र। और इंडिया में पहली बार एक बायबैक ऑफ़र कोई कंपनी ला रहा है एप्पल फ़ोन्स के लिए और ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स है। तो चलते हैं जियो के साइट पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं रिलायंस के वेबसाइट पे आईफोन 8 पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र है जो कि है 70% बायबैक। साथ ही साथ इस पे है 8,000 रुपीज़ कैशबैक जो कि है सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से। और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा एक रिलायंस जियो का सिम और इसके साथ एक प्लान आता है जो कि है 799 रुपीज़ का और ये होगा एक 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको हर महीने जो है 799 रुपीज़ से आपके जियो नंबर को एक्टिवेट करना होगा। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स, एसटीडी रोमिंग, फ्री वॉइस मिलेगा, अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा जो कि है 3GB पर डे एट हाई स्पीड। साथ ही साथ आपको मिलेगा लोकल और नेशनल SMS फ्री और आपको मिलेंगे आपके जियो ऐप्स और इसकी वैलिडिटी होगी 28 डेज या आपके बिलिंग साइकिल के मुताबिक। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र है जो रिलायंस ने लॉन्च किया है आईफोन 8 और 8 प्लस के लिए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये ऑफ़र काम किस तरह से करता है। जब भी आप अपना फ़ोन खरीदे रिलायंस डिजिटल से या जियो के स्टोर से तो आपको एक सिम कार्ड दिया जाएगा और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माई जियो ऐप और इस माई जियो ऐप में जाके आपको डालना पड़ेगा आपके फ़ोन का IMEI नंबर। इससे आपका फ़ोन जो है रजिस्टर हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्यूचर के बायबैक के लिए। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सिम कार्ड जो है आपके फ़ोन पे लॉक्ड नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो आप किसी और प्रोवाइडर का सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये ऑफ़र तभी काम करेगा जब आप अपने रिलायंस जियो नंबर को रिचार्ज करते रहेंगे हर महीने 799 रुपीज़ के साथ। तो दोस्तों कॉस्ट की अगर बात करें तो मैंने एक कैलकुलेशन किया हुआ है जो मैं अभी स्क्रीन पर डालने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किए हैं कुछ कैलकुलेशन आईफोन 8, 8 प्लस और आईफोन 10 के लिए। मैंने आईफोन 10 इसके लिए रखा है क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिलायंस जो है ऐसा ही एक ऑफ़र लाएगा आईफोन 10 के लॉन्च के टाइम पे भी। तो मैंने डाल दिए हैं इनके MRP जो कि है 64,000, 73,000 और 89,000। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं जो रिलायंस का जियो का जो रिचार्ज अमाउंट है 12 महीने के लिए जो कि है 799 × 12, तो उसका लगभग आ जाता है 9,600 रुपये। इससे मैं घटा दूंगा सिटी बैंक का कैशबैक ऑफ़र जो कि है 8,000 रुपये और फिर मैं घटा दूंगा रिलायंस का बायबैक ऑफ़र जो कि है 70% ऑफ द MRP। तो नेट पे अगर आप देखें तो आईफोन 8 पे आप पे करेंगे लगभग 20,000 रुपये, आईफोन 8 प्लस आपको पड़ेगा 23,000 रुपये पे और आईफोन 10 जो है अगर ये सेम ऑफ़र कंटिन्यू करते हैं तो आपको पड़ेगा लगभग 26,000 रुपये में। तो ये काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव ऑफ़र है लोगों के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें आईफोन 8 और 8 प्लस के लॉन्च के बारे में और कुछ नए ऑफर्स के बारे में जो रिलायंस लेके आया है। तो बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। क्या आप 8 या 8 प्लस लेने वाले हैं? क्या आप ये ऑफ़र का इस्तेमाल करने वाले हैं या आप वेट कर रहे हैं आईफोन 10 के लिए? और मेरी कोशिश जारी है आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने के लिए जिसमें होगा आईफोन 8 या 8 प्लस का हैंड्स ऑन रिव्यू। तो मेरी कोशिश उसमें जारी है और मैं वापस आऊँगा आपके लिए अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।